हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं कंप्यूटर एग्जाम चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पेन ड्राइव को रैम कैसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का या फिर बहुत सारे लोगों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में कोई एप्लीकेशन रन कराना चाहते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और उस एप्लीकेशन को ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, तो वो परेशान हो जाते हैं और अपने सॉफ्टवेयर को रन नहीं करा पाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास एक पेन ड्राइव भी है तो आप उसको रैम बना सकते हैं और उसको कंप्यूटर में अपने यूज कर सकते हैं वर्चुअल रैम की जगह पे, जो कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराएंगे और वो उस पर ज़्यादा लोड होगा आपके पीसी का या फिर लैपटॉप का, तो जितना आपके लैपटॉप में या फिर पीसी में रैम होगा उसको कवर करने के बाद उसको एक्स्ट्रा रैम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आपके पेन ड्राइव से उस रैम को एक्सेस कर लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि कैसे आप आसानी से अपने पेन ड्राइव को रैम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पीसी में या फिर लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगा लेंगे और पेन ड्राइव लगाने के बाद हम अपने डिस्क पीसी में जाएंगे। उसके बाद से आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने एक सोनी का पेन ड्राइव लगाया हुआ है जो कि 16 GB का है, तो ये बिल्कुल फॉर्मेटेड है। तो अगर आप इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लेते हैं आपके पेन ड्राइव को, तो ये इसके लिए अच्छा रहता है। फॉर्मेट पेन ड्राइव रहता है तो रैम अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसको आप फॉर्मेट कर लीजिए, या फिर अगर आप फॉर्मेट नहीं भी करना चाहें तो भी आप उसको अच्छी तरीके से रैम बना सकते हैं। आपका विंडो कोई भी हो, विंडो 7, 8 या 10, आप किसी भी विंडो में आप अपने पेन ड्राइव को रैम बना सकते हैं। तो सबसे पहले रैम बनाने के लिए हमको पेन ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आपको आइकन्स दिखेंगे, तो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेडी बूस्ट का आइकन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे है डू नॉट यूज दिस डिवाइस, यानी कि ये आपका नॉर्मल पेन ड्राइव हो जाएगा जो कि आपका डिवाइस रैम नहीं बना हुआ है। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, यानी कि इस डिवाइस को, यानी कि हमारा जो सोनी का पेन ड्राइव लगाए हुए हैं या फिर कोई भी आप पेन ड्राइव लगाएंगे, तो डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, इसका हम पेन ड्राइव बना लें यानी कि रेडी बूस्ट के लिए इसको तैयार कर दें, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और एक थर्ड ऑप्शन है यूज दिस डिवाइस, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपका जितना खाली स्पेस होगा उसको ये पीसी हमारा रैम बना देगा या फिर आपका लैपटॉप इसको रैम बना देगा। और आप यहां पे डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप जितना मर्जी चाहें यहां पे आप क्लिक करके जितने MB का आप चाहें आप यहां पे अपने पेन ड्राइव को रैम बना सकते हैं। जैसे कि हमने अगर चाहा 12,570 MB का हम अपने रैम बना ले, तो आप यहां पे इतने पे क्लिक कर लीजिए और यहां पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए, तो आप यहां पे अभी कुछ देर में आपको दिखाएगा कि उतना MB आपका यूज हो जाएगा जो कि रैम बन चुका होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा ये पेन ड्राइव है सोनी का जो कि इतना फुल हो चुका है और इसमें बस 2 GB फ्री स्पेस बचा हुआ है। तो आप यहां पे इसको ओपन करके देख लेंगे, यहां पे एक फाइल बन के आ जाएगा रेडी बूस्ट का, यानी कि ये आपका 12.2 GB पेन ड्राइव हमारा रैम बन चुका है जिसका कि आप रैम के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो थर्ड ऑप्शन होता है यूज दिस डिवाइस, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इसमें जितना भी हमारा पेन ड्राइव का खाली स्पेस होगा उसको हम अप्लाई अगर कर देंगे तो वो पूरा रैम बन जाएगा। तो आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए और यहां पे ओके कर दीजिए और आप यहां पे फिर से देख सकते हैं अपने पेन ड्राइव को, यहां पे देख सकते हैं आप पेन ड्राइव को कि यहां पे बस 5.71 MB फ्री स्पेस बच चुका है इसमें, बाकी का 14 GB जो हमारा है 14.4 GB ये हमारा रैम बन चुका है। आप यहाँ पे रेडी बूस्ट का फाइल देख सकते हैं जो कि पिछली बार 12 GB का हमने बना के दिखाया था, जो कि अपने मर्जी से हम सेलेक्ट कर सकते थे कितना रैम बनाना चाहिए हमें। और आप थर्ड वाले पे यूज दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिवाइस ही रैम बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14.4 GB का ये रैम बन चुका है। तो अगर आपको फिर से इस अपने पेन ड्राइव को नॉर्मल बनाना है तो आप फिर से सिंपल सा उसी पे जाइए, आप अपने पेन ड्राइव पे क्लिक करिए, आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए और रेडी बूस्ट पे जाइए और यहाँ पे डू नॉट यूज दिस डिवाइस पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि नहीं हमको ये रैम नहीं बनाना है, इसको रेडी बूस्ट के लिए नहीं यूज करना है, बस इस पे क्लिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो आपका पेन ड्राइव है ये यहाँ पे खाली हो गया। तो इस तरह से आप अपने पेन ड्राइव को रैम बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हम अपने चैनल कंप्यूटर एग्जाम पे ट्रिपल सी का फुल कोर्स करा रहे हैं और भी कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं आपको, तो आप हमारे चैनल पे जाके और सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।